हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी आर एक्स मेडी हेल्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलुसन एसटी स्किन क्रीम के बारे में और जानेंगे इस क्रीम के बारे में कंप्लीट डिटेल, जैसे कि इसके क्या यूजेज हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसको हम किन किन इंडिकेशन में यूज कर सकते हैं, देन इसको यूज जो करने का सही तरीका है वो क्या है, तथा लास्ट में हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो पर हमारे लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले एलुसन एसटी स्किन क्रीम के बारे में। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग है। अब हम बात करते हैं इसकी एमआरपी की। तो दोस्तों, ये 125 रुपए की इसकी एमआरपी है और ये 15 ग्राम का इसका पैक है। इसको ली फूड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मुख्यतः तीन प्रकार के इंग्रेडिएंट हैं, जो कि हाइड्रोक्विनोन दिया गया है। दोस्तों, जो हाइड्रोक्विनोन है वो एक स्किन वाइटनिंग एजेंट है, जिसका काम शरीर के अंदर जो मेलानिन होते हैं उनको जो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे स्किन जो है ब्लैक हो जाती है। ये क्या करता है कि उस जो मेलानिन को सिंथेसिस यानी कि रिड्यूस करके उसके स्तर को कम कर देता है, जिससे उस जगह की स्किन वाइट हो जाती है और आपका चेहरा या आपकी जो स्किन है वो गोरी दिखने लगती है। तो इस तरह से ये हाइड्रोक्विनोन काम करता है। अब बात करें अगर इसकी हम ट्रेटिनोइन की, अगले कंपोजिशन की, जो कि एक विटामिन ए का ही रूप है, जिसका काम स्किन को सॉफ्ट और नरम बनाने के लिए किया जाता है, तथा जो इसमें मोमेडाजोन फ्यूरेट दिया गया है वो एक स्टेरॉयड है, जिसका यूज इचिंग, बर्निंग, स्वेलिंग उसको खत्म करने के लिए किया जाता है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट का सेपरेट वर्क है और इसमें ये तीनों इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेज की। तो दोस्तों, इस क्रीम का यूज मोस्टली लोग गोरा होने के लिए करते हैं और ये क्रीम आप इसका अगर यूज कर रहे हैं तो 7 से 8 दिन में आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। ये आपके स्किन को काफ़ी हद तक गोरा कर देती है। लेकिन हम आपको बता दें, इस क्रीम को आप अगर लंबे समय तक यूज करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेलाज्मा की शिकायत है, आपको पिगमेंटेशन हो गए हैं आपके चेहरे पर, आपकी नोज, फोरहेड, चेक्स, इन पर अगर मेलाज्मा की शिकायत है, तो आप ऐसी कंडीशन में इस स्किन क्रीम का यूज कर सकते हैं। देन उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को उसके काले झाइयाँ हैं, काले घेरे हैं, धब्बे हो गए हैं, या आपको जो स्किन पर जो बर्निंग के निशान हो गए, जैसे कि अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो आपकी स्किन जल गई है, तो उस वजह से आपके काले काले स्पॉट्स हो गए हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में इस स्किन क्रीम का यूज कर सकते हैं। देन उसके अलावा अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो वो जो दाग हो जाते हैं उनको भी ये काफ़ी हद तक कम कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। देन उसके अलावा अगर आपके स्किन पर जो फेस है उस पर इचिंग रहती है, खुजली सी है, लालिमा हो गए हैं, चकत्ते हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप एलुसन एसटी स्किन क्रीम का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा थिन यानी कि पतली हो जाती है, जिससे क्या होता है कि अगर आप जब भी धूप के संपर्क में जाएंगे या तेज़ धूप में जाएंगे तो आपकी स्किन जलेगी, आपको इचिंग होगी, लालिमा सा हो जाएगा। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि एलुसन एसटी स्किन क्रीम है, इसको यूज करने का सही तरीका क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसको आप दिन में 2 बार तक यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही तरीका है, आप इसको रात को सोने से पहले आप अपने फेस को अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद ही इसको अप्लाई करें। आप इसको दिन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको दिन में यूज कर रहे हैं, आप अपने चेहरे पर इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो शर्त यह है कि आप इसको लगाकर धूप में ना निकलें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको एलुसन एसटी स्किन क्रीम के बारे में पूरी जानकारी दी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।